लखनऊ की महापौर सुषमा खरकबाल ने महिला आरक्षण बिल पास होने पर हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साधुवाद देते हुए इसे राजनीति का अमृतकाल बताया है। महापौर ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि 3 दशकों की अटकलों के बाद महिला आरक्षण बिल को यानी कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम को नए संसद भवन में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया है। दोनों सदनों से इस बिल के पास होते ही संसद और राज्य की विधानसभा और विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय हो जाएगा। इस बिल से अभी विधानसभाओं और लोकसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई साधुवाद देना चाहती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 3 दशक से लटका था बिल, महिला आरक्षण बिल, आज उसे सर्वसम्मति से पास किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ भारत सरकार की पूरी टीम को। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में शपथ लेने का पहला भाषण हरियाणा में था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और उनके 70% योजनाएं जो भी हैं महिलाओं के लिए थे, जैसे जनधन योजना महिलाओं के नाम से खाता, उज्ज्वला योजना महिलाओं के नाम से गैस सिलेंडर, शौचालय महिलाओं के नाम से शौचालय दिया, घर राशन कार्ड में भी महिला मुखिया हो। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज आरक्षण बिल पास करके हम महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है।